चलिए खबरों में हम आगे बढ़े हैं। शुरुआत करें पहली खबर की, अगर बात करें तो झारखंड के पलामू में माओवादियों एक बार फिर यहां पर पुलिस को अपना उन्होंने निशाना बनाया है और इस दौरान नक्सलियों ने पुलिस वैन पर हमला किया है। छतरपुर थाना क्षेत्र के काला पहाड़ इलाके में नक्सलियों ने लैंड माइंस विस्फोट करके पुलिस की गाड़ी उड़ा दी। इसमें 4 जवान शहीद हो गए हैं जबकि 6 अन्य के घायल होने की खबर है। नक्सलियों के हमले के शिकार हुए पुलिस के जवान हुसैनाबाद थाने में तैनात थे और नक्सलियों के खिलाफ एक अभियान से वो लौट रहे थे और इस इलाके में पुलिस और माओवादियों के बीच 2 दिन से मुठभेड़ चल रही थी। बड़ी खबर झारखंड से। झारखंड के पलामू इलाके में बड़ा नक्सली हमला हुआ है। हमले में 4 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं जबकि 6 जवान इसमें गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। लैंडमाइन से यह हमला किया गया है। डीआईजी और एसपी मौके पर मौजूद हैं। तो झारखंड में उग्रवादियों द्वारा, नक्सलियों द्वारा यह बड़ा हमला हुआ है। हमले में 4 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं जबकि 6 जवान गंभीर रूप से घायल हैं। लैंडमाइन से यह हमला किया गया है। डीआईजी और एसपी मौके पर मौजूद हैं और झारखंड के ये पलामू इलाके में ये नक्सली हमला हुआ है। आपको बता दें कि यह संवेदनशील इलाका माना जाता है। जो पलामू इलाका है वहां पर नक्सलियों की तादाद ज्यादा है और वहां पर सर्च ऑपरेशन लगातार चलाए जाते हैं और इस बीच कई बार इस तरह की घटनाएं वहां पर हो चुकी हैं। और एक बार फिर से आपको बता दें कि झारखंड के पलामू में नक्सलियों ने जहां लैंडमाइन ब्लास्ट किया वहीं छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने कई वाहनों को फूंक दिया है। 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, एक तरफ झारखंड की तस्वीर वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ से जो खबर है वहां पर भी कुछ इसी तरह की वारदात को अंजाम दिया गया। बीजापुर में नक्सलियों का तांडव, एक तरफ झारखंड में लैंडमाइन ब्लास्ट जिसमें 4 पुलिसकर्मी शहीद हुए, वहीं बीजापुर में नक्सलियों ने कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। तो जहां झारखंड के पलामू में नक्सलियों ने लैंडमाइन ब्लास्ट किया वहीं छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने कई वाहनों को फूंक दिया है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इंडिया सुपर 30 में आगे बढ़े तो बिहार के हाजीपुर में आज भी हालात तनावपूर्ण रहे और चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही। हाजीपुर में मंदिर पर हिंसा के बाद आईजी को इलाके में कई जिलों के पुलिस बुलानी पड़ी। वहीं हालात पर चर्चा के लिए पटना में आला पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में तय हुआ कि पुलिस दोबारा मंदिर को गिराने की कोशिश करेगी। उधर पटना हाईकोर्ट में मामले पर सुनवाई टल गई है। अब 29 फरवरी को मामले पर अगली सुनवाई होगी और इसके पहले कोर्ट के आदेश के बाद मंगलवार को प्रशासन की टीम हाजीपुर के बागमल्ली इलाके में बने वासुदेव मंदिर को तोड़ने पहुंची थी। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर यह मंदिर बनाया गया है। मंदिर तोड़ने आई सरकारी टीम के अधिकारियों पर लोगों ने अपना गुस्सा निकाला था। लोगों ने एसपी की सरकारी गाड़ी फूंक दी और एसआई की पिटाई की थी। नाराज भीड़ के सामने पुलिस वालों की जान पर बनाई। जान बचाने के लिए कई पुलिस वाले घरों में छुप गए, उन्हें बाद में किसी तरह बचाया गया। हंगामे में 10 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए। गए थे वहाँ पर खाली कराने के लिए जिसमें ईंट पत्थर चल गया, कुछ लोगों को चोट लग गई और कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई। कुछ लोगों को जख्म हुआ है, उन लोगों को चोट लगी है और एक गाड़ी को क्षति हुआ है। करीब 5 जिलों से पदाधिकारियों और पुलिसकर्मियों को बुलाया गया है। वहीं महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर मंदिर में पूजा का अधिकार पाने के लिए संघर्ष कर रही महिलाओं को कामयाबी मिलती दिख रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मुद्दे पर महिलाओं का समर्थन किया है। सीएम फडणवीस ने कहा है कि मंदिर में महिलाओं को भी एंट्री मिलनी चाहिए। उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, हम मिलते हैं ऐसा बोला और उन्होंने जो है वो हमें मिले हैं
पॉजिटिव उन्होंने ये किया है, हमारे आंदोलन को सपोर्ट किया हुआ है और जल्द से जल्द हम शनि प्लेटफॉर्म पे आपको छोड़ेंगे, ऐसा उन्होंने बयान भी दिया है। आप अभी भी नाराज है कल जिस तरह से आपके ऊपर कार्रवाई हुई? हमें जिस तरह से उठाया गया, जिस तरह से पुलिस ने धक्का बुक्की की, उससे थोड़ा सा नाराज है, लेकिन उसके बाद जो सीएम ने जो सपोर्ट किया, ट्वीट किया, उससे भी हम आनंदी है। अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 29 जनवरी तक जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 1 फरवरी को होगी और आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए अरुणाचल के गवर्नर के वकील से 15 मिनट में वो रिपोर्ट मांगी, जिसके आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया। गवर्नर के वकील ने 15 मिनट में रिपोर्ट सौंपी, लेकिन इसी बीच अटॉर्नी जनरल ने कांग्रेस की याचिका पर सवाल उठा दिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन मंगलवार को लागू हुआ है, जबकि कांग्रेस ने कैबिनेट के फैसले के आधार पर याचिका दायर की है। राष्ट्रपति शासन का इश्यू है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, इसको आईन के दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है, इस पर राजनीति से बचना चाहिए। कोर्ट के निर्णय की इंतजार किए बगैर और कोर्ट का भी अपमान करके, प्रजातंत्र का गला घोट के वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्या मोदी जी जवाब देंगे कि कांग्रेस के 42 एमएलए हैं, बीजेपी के 12 एमएलए हैं? क्या खरीद फरोख्त करके, क्या एमएलए को तोड़कर, क्या प्रजातंत्र की हत्या करके मोदी जी वहां जबरन सरकार बनाना चाहते हैं? एसपी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने आज एक बड़ा बयान दिया है। मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि अगर 2017 में यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनी तो फिर कभी एसपी की सरकार नहीं बनेगी। अखिलेश सरकार की तारीफ करते हुए मुलायम ने कहा कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुझसे अच्छा काम किया है, ऐसे में अगर अब नहीं जीते तो फिर कभी नहीं जीत पाएंगे। मुलायम ने यह बयान लखनऊ में समाजवादी पार्टी के युवा सम्मेलन में दिया। इसलिए आप कहना चाहते हैं कि अखिलेश ने, तो हमें उम्मीद ये नहीं थी कि इतने अच्छे काम करेंगे, लेकिन उन्होंने चुनाव घोषणा पत्र तो उठाया और चुनाव घोषणा की एक एक बात को लागू कर दिया। मुझे खुशी है कि नौजवान जोश में है, लेकिन नौजवान राजनीतिक बने हैं और यहाँ से प्रतिज्ञा करके जाओ कि आपकी दोबारा सरकार बनाएंगे और अपनी अपनी पूरे पे जिताओगे। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि सरकार ने इतने अच्छे काम की मैंने बता दिया, अगर इतने अच्छे काम करने के बाद भी सरकार नहीं बनी तो फिर सरकार नहीं बना पाओगे आप। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज बुंदेलखंड की यात्रा पर रहे और मुख्यमंत्री ने जालौन में सोलर प्लांट का उद्घाटन करने के बाद हमीरपुर में भी कई योजनाओं का शिलान्यास किया। अखिलेश यादव के साथ यूपी सरकार में मंत्री शिवपाल यादव भी मौजूद थे। अखिलेश यादव ने सोलर प्लांट के उद्घाटन के बाद कहा कि बुंदेलखंड यूपी सरकार की प्राथमिकता में शामिल है और सोलर प्लांट का सबसे ज्यादा फायदा बुंदेलखंड को होगा। अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड में 108 योजनाओं का लोकार्पण किया, वहीं उन्होंने 36 योजनाओं का शिलान्यास किया। बुंदेलखंड हमेशा समाजवादी पार्टी के प्राथमिकता पर रहा और इसीलिए आपने देखा होगा पिछले सरकार के पूरे कार्यकाल में हर जिले में काम हुआ है। अगर मैं गिनाने लगूं तो यही जिला जब नेताजी मुख्यमंत्री थे तो नेताजी ने यहां पर मेडिकल कॉलेज दिया था, वो बन के तैयार हो गया था लेकिन चला नहीं था, वो समाजवादी सरकार दोबारा बनी तो उसमें बन करके मेडिकल कॉलेज और चलने लगा। इसी तरह सड़कों का निर्माण, नए सब स्टेशन, आज जो सोलर प्लांट बन करके तैयार हो गया है, ये सरकार की पॉलिसी के तहत आज 50 मेगावाट का सोलर प्लांट लग गया है और केंद्र सरकार को भी इसी जिले से मैंने जमीन भेजी है। मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार की पॉलिसी के माध्यम से तो लग गया प्लांट, अब केंद्र सरकार भी जल्दी से जो प्रस्ताव दिया है उस पे काम करे जिससे और बड़ा प्लांट यहाँ पर लग जाए। कैबिनेट में फिर बदल की संभावनाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की और पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग में हुई बैठक में एग्रीकल्चर, ग्रामीण विकास, फूड सप्लाई और वाटर रिसोर्सेज के मंत्रियों ने अपने काम का प्रेजेंटेशन दिया। साथ ही पीएम ने दूसरे मंत्रालयों के मंत्रियों की भी रिपोर्ट कार्ड देखी। पीएम अब हर महीने के आखिरी बुधवार को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक बुलाएंगे। चर्चा है कि प्रधानमंत्री मोदी महत्वपूर्ण मंत्रियों के मंत्रालय में बदलाव करना चाहते हैं जिसमें वित्त मंत्रालय भी शामिल है।
हाईवे प्रोजेक्ट्स में तेजी के लिए सरकार ने हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल को मंजूरी दे दी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई और इस मॉडल के तहत प्रोजेक्ट के कॉस्ट का 40% सरकार मुहैया कराएगी ताकि शुरुआत हो सके और उसके बाद बाकी पैसा डेवलपर्स को लगाना होगा। हाईवे मंत्रालय के मुताबिक इस मॉडल को अपनाने का मुख्य मकसद देश में हाईवे प्रोजेक्ट में तेजी लाना होगा। सरकार को उम्मीद है कि इस मॉडल को अपनाने से हाईवे में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आने के साथ ही पीपीपी मॉडल को भी नया जीवन मिलेगा। देश की पहली 20 स्मार्ट सिटी का कल ऐलान होगा। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने इसकी जानकारी दी। वेंकैया नायडू के मुताबिक स्मार्ट सिटी के लिस्ट में देश के 97 शहर हैं जिनमें से 20 विजेता शहरों के नामों का ऐलान गुरुवार को किया जाएगा। नायडू के मुताबिक इन शहरों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को ध्यान में रखकर किया जाएगा जिसके तहत बिजली और पानी की आपूर्ति, वेस्ट मैनेजमेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आईटी कनेक्टिविटी, ई गवर्नेंस और जन सहभागिता के क्षेत्र में काम किया जाएगा। आंध्र प्रदेश और झारखंड के बाद केंद्र सरकार की योजना उदय से जुड़ने वाला राजस्थान तीसरा राज्य बन गया है। केंद्र सरकार ने कर्ज में डूबी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को उभारने के लिए उदय यानी उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना की शुरुआत की है। पीयूष गोयल के मुताबिक उदय से जुड़कर राजस्थान को अगले 3 सालों में 21,000 करोड़ की बचत होगी। सरकार के लाख दावों के बावजूद भारत में पिछले 1 साल में भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक सबसे ज्यादा भ्रष्ट देशों की सूची में भारत 76वें नंबर पर है और उसका करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी सीपीआई स्कोर पिछले साल की तरह 38 ही है। पिछले साल भारत इस सूची में 85वें नंबर पर था। इस बार भारत की रैंकिंग सुधरी है लेकिन इसकी वजह इस बार रैंकिंग में कम देशों का शामिल होना बताया जा रहा है। सरकार काम कर रही है और अच्छा काम कर रही है, जमीन पे उतर के काम कर रही है। गोवा की सड़कों पर अब जाम छलकाना महंगा पड़ सकता है। गोवा सरकार सरेआम शराब पीने पर पाबंदी लगाने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो गोवा में शराब सिर्फ रेस्टोरेंट और बार में ही मिलेगी। अभी गोवा में कहीं भी शराब पीने या खरीदने पर कोई बैन नहीं है। यही वजह है कि गोवा में शराब कंपनियों की अच्छी खासी बिक्री भी होती है लेकिन सरकार का कहना है कि उन्हें गंदगी की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। कानून में बदलाव के लिए सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है जो ये देखेगी कि क्या शराब पीने से सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैल रही है। देश की राजधानी दिल्ली के तीनों नगर निगमों के कर्मचारी आज हड़ताल पर चले गए और नगर निगम के कर्मचारियों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के सामने प्रदर्शन किया। तीनों नगर निगम के कर्मचारी वेतन नहीं मिलने से नाराज हैं। एमसीडी के करीब 1.5 लाख कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हड़ताल में डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स, सफाई कर्मचारी और दूसरे विभागों के 20 एसोसिएशन शामिल हैं। इन सभी कर्मचारियों को 2 महीनों से वेतन नहीं मिला है। हड़ताली कर्मचारियों का कहना है कि अगर 31 जनवरी तक उनका बकाया वेतन नहीं मिला तो वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल पर दिल्ली में राजनीति भी हो रही है। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा कि सीएम तो अपना इलाज करने चले गए हैं लेकिन दिल्ली की समस्याओं का इलाज कौन करेगा। उधर कांग्रेस नेता जेपी अग्रवाल ने आरोप लगाया कि ये आम आदमी की नहीं बल्कि खास लोगों की सरकार है। राजनीतिक दोषारोपण आपस में हो रहा है, इससे मुख्यमंत्री जी बच नहीं सकते। एमसीडी भी दिल्ली की है, वो एक नगर निगम है लेकिन वो दिल्ली सरकार की है और उसको उसका ध्यान रखना, उसके बजट को समय समय पे देना ये चीफ मिनिस्टर का काम है। लेकिन अब चीफ मिनिस्टर साहब चुनाव से पहले बड़ी जोर जोर से इन्होंने मंचों पर खड़े होकर चिल्लाए थे कि हम सारे टेम्परेरी कर्मचारी नहीं रहने देंगे, सबको पक्का कर देंगे, इनकी जितनी समस्याएं सबको सुलझाएंगे और सबसे ज़्यादा ध्यान हमारा इनकी तरफ होगा। आम आदमी पार्टी के बागी विधायक पंकज पुष्कर भी एमसीडी कर्मचारियों के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार को घेर रहे हैं। तिमारपुर से आम आदमी पार्टी विधायक पंकज पुष्कर ने कहा कि मेरा पूरा समर्थन एमसीडी कर्मचारियों के साथ है। दिल्ली सरकार का कहना है कि वो एमसीडी को उसका सारा पैसा दे चुकी है और उन पर एमसीडी का कोई पैसा बकाया नहीं।
राजस्थान के बाद आज दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक संदिग्ध गुब्बारा नजर आने से हड़कंप मच गया और शाम करीब 5:05 पर आया नगर इलाके में यह संदिग्ध गुब्बारा दिखाई दिया। यह गुब्बारा गुड़गांव की तरफ से दिल्ली की ओर बढ़ रहा था और गुड़गांव पुलिस कंट्रोल रूम ने इसकी सूचना ATC और एयरफोर्स को दी। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई। इससे पहले कल राजस्थान के बाड़मेर में भी संदिग्ध बैलून देखा गया था जिसे एयरफोर्स ने गिरा दिया था। बाड़मेर में कल देखे गए संदिग्ध बैलून मामले पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि सीमा पार से आए गुब्बारे में कुछ भी नहीं मिला, लेकिन भारतीय सेना और सुरक्षा बल पूरी सतर्कता बरत रहे हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या सीमा पार से टोह लेने के लिए इन संदिग्ध गुब्बारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। देश के अलग अलग राज्यों से पकड़े गए ISIS के 14 आतंकियों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI पर्दे के पीछे से भारत में आतंक का नेटवर्क खड़ा करने के लिए फंडिंग कर रही है। मुरादाबाद में करोड़ों रुपए के घोटाले के सबूत आग में जल गए। विकास भवन के बाबू ने गुपचुप तरीके से सैकड़ों फाइल्स को आग के हवाले कर दिया और इन फाइल्स में जिले के विकास के कामकाज से जुड़ी योजनाओं का रिकॉर्ड दर्ज था। आशंका जताई जा रही कि विकास की योजनाओं में लाखों का घोटाला हुआ है। यूपी के जौनपुर में ईसाई मिशनरी स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर पर छात्र की पिटाई का आरोप लगा है। पिटाई इसलिए हुई क्योंकि छात्र ने प्रिंसिपल का नाम लिखने में गलती कर दी थी। आरोप है कि इस गलती के लिए पहले तो स्कूल के टीचर ने छात्र के डंडे से पिटाई की और उसके बाद छात्र को ऑफिस में बुलाकर दोबारा पिटाई की। यूपी के आजमगढ़ में पहली क्लास के छात्र की गला रेत कर हत्या कर दी गई। मामला आजमगढ़ के मेहरनगर थाना इलाके का है। बताया जा रहा है कि 7 साल का बच्चा स्कूल से अपने दोस्त के साथ बाहर गया था और इसी दौरान अज्ञात बदमाशों ने गला रेत कर हत्या कर दी। हरियाणा के फरीदाबाद में एक फाइनेंसर की उसके दफ्तर में घुसकर पिटाई की गई। लाइव पिटाई की तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। मामला फरीदाबाद के सेक्टर 10 का है जहां निवेशकों ने पैसे के लेन देन को लेकर फाइनेंसर और उसके बेटे की धुनाई कर दी। IPS ऑफिसर अपर्णा कुमार ने अंटार्कटिका की 17,000 फीट ऊंची माउंट विंसेंट मैसिक पर्वत चोटी पर विजय हासिल किया और अपर्णा ने बीती 17 जनवरी को पर्वत शिखर पर भारतीय तिरंगे के साथ साथ यूपी के ध्वज को भी फहराया। देश के कई हिस्सों में इन दिनों प्याज की बुआई की जा रही है। जो किसान खास तौर पर इस फसल की खेती करते हैं वो इन दिनों व्यस्त हैं, लेकिन पंजाब के मोगा में एक किसान एक नई मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि प्याज की बुआई के लिए कारगर साबित हो रही है। दरअसल इस मशीन के इस्तेमाल से किसानों को काफी कम मेहनत करनी पड़ रही है। सोने चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी आ गई है। MCX पर सोने का भाव करीब 350 रुपए उछलकर 26,700 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया है। रिलायंस जियो ने आज से बाजार में 4G हैंडसेट उतार दिए हैं और रिलायंस जियो अपनी 4G सेवाएं शुरू करने से पहले मार्केट में हैंडसेट वो लेकर आया है। रिलायंस ने इस हैंडसेट के लिए एक अलग कंपनी बनाई है। इन हैंडसेट को LYF नाम से ये जाना जाएगा। अगली खबर की अगर बात करें तो 1 फरवरी को बजाज ऑटो अपनी नई बाइक वी को शोकेस करेगा और इस बाइक की खास बात यह है कि इसे बनाने में देश के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत का मेटल इस्तेमाल किया गया है। INS विक्रांत को 1961 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने संस्कृत के खिलाफ लड़ाई को संस्कृति के खिलाफ लड़ाई बताया है और डॉक्टर सुभाष चंद्रा आज IIT मुंबई की तरफ से जियो पॉलिटिक्स एंड द स्टडी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन विषय पर आयोजित सेमिनार में मुख्य अतिथि के तौर पर बोल रहे थे। सेमिनार में लेखक और इन्फिनिटी फाउंडेशन के संस्थापक राजीव मल्होत्रा की नई किताब द बैटल फॉर संस्कृत पर चर्चा हुई। इस दौरान डॉक्टर चंद्रा ने कहा कि बदलते वक्त के साथ दुनिया अब हमारी संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी बातों को सच मानने लगी है। कल तक जिन बातों को खारिज कर दिया जाता था अब उन्हें ऐतिहासिक कहा जाता है। रिसेंटली NASA have come up with a study that yes there was a bridge
between India and Sri Lanka, man-made bridge, and how many millions of years ago. So those kind of things are being accepted.